आज समय कलयुग का है, यहां लोग मतलब प्रस्त हैं, हद से ज्यादा स्वार्थी, हद से ज्यादा मतलब प्रस्त, अपना मतलब हल करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। तो आज के इस दौर में एकमात्र सहारा है जो इंसान को खुशियां दे सकता है, इंसान को गम दुख दर्द बीमारियों से हटा सकता है, और वो सहारा है राम नाम का सहारा, अल्लाह वाहिगुरु प्रभु मालिक की भक्ति इबादत का सहारा। वही एकमात्र ऐसा सहारा है जिसके सहारे इंसान अगर जीवन यापन करे तो सुखी रह सकता है। जिस तरह चाकी चलती है, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक चक्कियां हो गई हैं, पर उसमें भी आप देखेंगे हैं तो पत्थर ही। पहले पत्थर हुआ करते, हर घर में चक्की हुआ करती, राजस्थान में खास करके, तो उसमें गेहूं, जौ, दालें उसमें बनाई जाती। तो ऐसे गेहूं के दाने डालते तो एक पार्ट चलाते ऊपर वाला हाथ से, तो वो धुरे पे दूसरा नीचे पार्ट स्थिर होता, ऊपर वाला एक धुरे पे ऐसी किल्ली होती उसके ऊपर चलता, वो दाने डालते रहते, पिसते रहते, डालते रहते, दलिया आटा बनता रहता। और वो पार्ट उठा के जब देखते बाकी सारे दाने पिस जाते, लेकिन जो उस धुरे के साथ खड़े रहते वो एक दाना भी नहीं पिसता। उसी तरह ये कलयुग है और समय दिन ब दिन बुरा होता जा रहा है। इसमें जो अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु रूपी धुरे से जुड़े रहेंगे, काल महाकाल की ताकत नहीं बाल भी भांगा कर सके, और जो काल महाकाल के जाल में फंस गए, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया, इसके चक्रव्यूह में फंस गए, वो तो फिर पिसते ही रहेंगे, कुलों को भी पिसवाएंगे।